हाँ तो भाई, नाइन्थ में आ गए हो? हाँ। डर लग रहा है? हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है? अरे हाँ भाई हाँ। चिंता मत करो, सही जगह आए हो। सस्ता टीवी एड, जब बजट नहीं होता ना टीवी एड का तो ऐसे ही घटिया टीवी एड बनता है। टीवी एड क्यों बना रहा हूँ मैं वैसे? सस्ता बीबी की वाइंस। ये क्यों किया वैसा मैंने यार, इसको काट देना प्लीज। हाँ तो भाई, तुम लोग आ गए हो नाइन्थ में। अब नाइन्थ के अंदर अगर आप लोग आए और इस चैनल के ऊपर आए हो तो आप सबसे सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये जो चैनल है इसने पिछले 3 सालों में लाखों बच्चों की क्लास नाइन्थ की जिंदगी, मतलब क्लास नाइन्थ वाली जिंदगी पूरी चेंज कर दी है। अब ये चीज आपके सीनियर मैक्सिमम जानते होंगे, अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो 90% चांसेस है कि वो इस चैनल को जानते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। तो अगर तुम यहां पर इस चैनल के ऊपर आए हो तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं कि साल भर हमको साथ में रहना है, हाथ पकड़ के रहना है, और प्रणय सर नहीं बोलेगा कोई, ठीक है? भाई बोलो, भैया बोलो, प्रणय बोलो, सर बोलना है चैनल के ऊपर सख्त गुनाह है भाई, क्योंकि हम लोग ना एक वो दोस्ती वाली बॉन्डिंग शेयर करेंगे और साल भर वही करेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे ओवरऑल लाइफ के बारे में बातें होंगी और उन्हीं सारी बातों को आगे लेकर चलेंगे। मतलब ये तो बस ऐसा, तुम लोग नया चैनल के ऊपर शायद तो थोड़ी मेहमान नवाजी कर दो, बाकी इतनी करता नहीं हूं मैं, बाकी तुम लोग अपने घर के ही हो तो फालतू की फॉर्मेलिटी में करूंगा नहीं और वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। बट वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपके इस चैनल के लिए प्यार जो है वो उमड़ उमड़ के आएगा और इस बात की पूरी गारंटी है। और ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उनकी जिंदगी किस हद तक चेंज हुई, चाहे वो रिजल्ट इंप्रूव होना हो, चाहे वो स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद में एक वीडियो से मोटिवेशन लेके वापस उसी स्कूल में जाके 92% फोड़ना हो। ये सारी कहानियां हजारों की तादाद में हमने चैनल के ऊपर देखी है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब बच्चे बोलते ही हैं जब भी हमें बात करता हूं, जब भी मुझे मिल जाते हैं कहीं पे तो वो सारी चीजें होती है। बट चूंकि तुम लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो तुम्हें बता दो कि तुम सबसे सही जगह हो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि पढ़ लेना एक ऐसी जगह नहीं जहां पर तुमको ऐसे टीचर जैसे आ जाएंगे और बता देंगे कि स्टूडेंट्स वॉच दिस, तुम कोई भी जाकर लेक्चर उठा के देख लो मेरा पुराना, तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ाई करो, तुमको मस्ती लगेगी, मजाक लगेगी, बकवास लगेगी, सब कुछ लगेगा, पढ़ाई नहीं लगेगी। बट उसका बाय प्रोडक्ट 100% ये होगा कि तुम्हारा जो कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं करवा रहा था वो हो जाएगा, ठीक है? चलो फालतू अब ज्यादा खुद की तारीफ नहीं करूंगा, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ऑन स्टार्टिंग योर क्लास एंड सो एक्साइटेड टू हैव यू, लेट्स बिगिन। बहुत ज्यादा जोश आ गया है, ठीक है? चलो वीडियो स्टार्ट कर देता हूं मैं। नीचे पैंट वेंट गंदी हो गई यार। तो भैया सबसे पहली चीज जो नाइन्थ में आते से ही रियलाइज होती है वो ये है कि 8th से इस क्लास में क्या क्या अलग है। तो देखो गिनती की 3-4 चीजें अलग है, बट वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि जितना डिफरेंस 9th से 10th में, 9th से 10th में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, वो एक्जैक्टली सिमिलर है, बट 8th से 9th में आपकी पूरी काया पलट हो जाती है, पूरी दुनिया पलट जाती है, पूरे जज्बात पलट जाते हैं, सब कुछ पलट जाता है एकदम। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो सबसे पहली चीज जो चेंज होती है कि भाई साइंस इज नो मोर साइंस, साइंस अब बन चुका है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब होगा क्या कि तीनों चीजें हैं तो एक ही बुक के अंदर, पर इसके टीचर्स होंगे 3 अलग अलग। कौन कौन से? फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तीनों में से कोई एक टीचर तुमको पसंद नहीं आएगा, कोई एक पसंद आएगा, ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके 2 साइंस के सब्जेक्ट्स अब एक साथ चल रहे होंगे, क्योंकि पेपर एक ही आएगा साइंस का, साइंस की बुक एक ही है, पर आपके टीचर्स अलग अलग है, तो एक ही दिन में आपके 3 अलग अलग लेक्चर्स भी हो सकते हैं। मान लो कि आपका सेकंड लेक्चर हो गया फॉर एग्जांपल फिजिक्स का, और लंच ब्रेक के बाद वापस केमिस्ट्री, तो टेक्निकली आप एक ही दिन में साइंस के 2-2, 3-3 चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो वहां पर थोड़ा कोप अप करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो एक साथ आना है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अब जो सोशल साइंस है वो 4 अलग अलग किताबों में बंट चुका है, जबकि इसका टीचर एक अकेला ही रहेगा। मतलब साइंस एक बुक है पर 3 अलग अलग टीचर्स हैं, और सोशल साइंस जो है वो 4 अलग अलग बुक्स है पर टीचर एक ही है। जनरली हो सकता है कुछ स्कूल्स में 2-3 टीचर्स हो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सोशल साइंस रिलेटेड वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। ये 4 चीजों में स्प्लिट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा तुमको हिस्ट्री सताएगी, उसके बाद में ज्योग्राफी सताएगी, उसके बाद में सिविक्स सताएगी, और इकोनॉमिक्स बिल्कुल फालतू है जिसको तुम इंग्लिश हिंदी की तरह लास्ट में पढ़ रहे होगे। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि 8 तक तो हमको सारी चीजें सेम लगती थी, स्कूल में अलग अलग सब कुछ इधर उधर चल रहा होता था, इस स्कूल में ये बुक, उस स्कूल में ये बुक, बट अब 9 से सारी चीजें एक साथ यूनिफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके स्कूल्स में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होगा, एटलीस्ट सीबीएसई स्कूल्स के अंदर। बाकी जो भी स्टेट बोर्ड्स के स्कूल है उसमें जो भी पैटर्न फॉलो होता है वो भी कॉमन पैटर्न फॉलो होगा, तो जितने भी एमपी बोर्ड के स्कूल्स उन सब में एक टाइप की बुक चलेगी, जितने भी राजस्थान बोर्ड के उनमें सब में एक टाइप की बुक चलेगी। तो टेक्निकली सीबीएसई में अगर आप हो या मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स में आपकी एनसीईआरटी किताब ही फॉलो होती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके दूसरे दोस्त के स्कूल में कुछ और पेपर बन रहा है, जो वो पढ़ रहा होगा वही तुम भी पढ़ रहे होगे, जो तुम्हारा दूसरा दोस्त दूसरे स्कूल में पढ़ रहा होगा, दूसरे शहर में पढ़ रहा होगा, वही तुम भी पढ़ रहे होगे। तो ये तो होगी साइंस और सोशल की बात। अब मैथ्स की क्या बात करते हो, भैया मैथ्स जो है वो इजी है, मैथ्स मतलब फुद्दू है, तुमको बहुत ज्यादा डराया जाएगा नाइन्थ के अंदर। देखो मैं तुमको सच बात बताऊं तो नाइन्थ के अंदर तुमको ना इधर आओ थोड़ा पास आ जाओ, नाइन्थ के अंदर तुमको इतना डराएंगे कि तुम आप पागल हो जाओगे। देखो माना मैंने कि नाइन्थ इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेंथ, एक बार नाइन्थ कर लो सर में टेंथ तो चुटकियों के खेले, पर नाइन्थ उतनी भी डिफिकल्ट नहीं जितनी तुमको बताई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई सब लोग पढ़ने पे नहीं आते ना, जो लोग आ जाते हैं तुम उनके कमेंट देखना लास्ट ईयर के, इतने सारे बच्चे भरे हुए, सब इतने प्यार से बोलते, इतना सारा प्यार भरा हुआ सबके अंदर कि भैया आपका वीडियो देखा, पढ़ लेगा वीडियो देखा, ये देखा वो देखा, इसलिए नाइन्थ तो बिल्कुल आसान लग गई। तो नाइन्थ तो आसान ही है, पर पता है फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुमने सही इंसान को नहीं चुना होगा नाइन्थ संभालने के लिए। ओहो, बड़ी शायरी हो गई है, बहुत शायरी हो गई आज तो।
तो मैथ्स के अंदर यार मतलब दो तीन चैप्टर डिफिकल्ट है, बाकी सारे इजी इजी हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। और उसके अलावा जो लैंग्वेजेस है मतलब इंग्लिश हिंदी या जो भी तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो वैसे होंगे जैसे होंगे। मतलब देखो कितना भी बोल लो इंग्लिश पढ़ लो हिंदी पढ़ लो तुम पढ़ोगे तो आखिर में ना वो मैं समझता हूं तुम्हारी बात। टीचर्स को लगता है कि भैया बच्चों को रोज पढ़ाओ इंग्लिश, मैं क्या बोलता हूं सीधी सी बात है भाई देखो इंग्लिश आखिर में पढ़ते हो तुम, मैं तुम्हारे दिल की भावनाएं समझता हूं, मैं एक्जैक्टली समझता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कहां पे किस चीज पे अटकते हो वो मुझे पता है। और पहले तो सिर्फ पता था क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर था, अब तो इसलिए पता है कि मैं तुम्हारा सीनियर भी हूं और साथ साथ मैंने पिछले 3 साल में लाखों बच्चों को नाइन्थ दिलाते हुए देखा है, मतलब मैंने नाइन्थ में हेल्प किया सबकी, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। अब ये तो हो गया डिफरेंसेस फ्रॉम 8। अब अगर दूसरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग बताऊं कि 9th इज मच मोर डिफिकल्ट व्हेन यू कंपेयर इट या व्हेन यू ट्रीट इट इंफीरियर टू 10th। मतलब अगर तुम ये मानने लग जाओ कि यार 10th इंपॉर्टेंट है, 9th तो खुद है, 9th को समझते रहेंगे, आखिर में 9th में का लोड लेना, 9th में तो चिल करते हो, 10th में बिल्कुल पढ़ लेंगे, 10th में तो बहुत डिफिकल्ट होगी, 9th तो बहुत ईजी है, यहां पर तुमको 9th डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम इस गलत फहमी में हो कि 10th एक एक्सट्रीम क्लास है और 9th एक इजी क्लास है, ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है। 9th यहां है, 10th यहां है डिफिकल्टी लेवल के मामले में। तो आप लोगों को इस बात में ध्यान रखना है कि भैया 9th जो है वो 10th से तो डिफिकल्ट है। एक बार जब आपने ये बात मान ली कि मुझे अभी इस साल में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, अगले साल तो बहुत इजी चलेगा, तो फिर आप ऑलरेडी रेडी हो। देखो अल्टीमेटली ना ये सारा खेल आपके दिमाग का, अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है कि आप एक जो जंग लड़ने जा रहे हो वैसे। अब देखो तुम बास्केटबॉल के लिए तैयार हो और तुमको फुटबॉल का मैच खेला दो तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। अगर हम तैयार बास्केटबॉल के लिए हो और अगर हम बास्केटबॉल ही खेलने आ रहे हो तो फिर भी भले हम बहुत अच्छा स्कोर ना करें बट फिर भी फुटबॉल के कंपैरिजन से शादी कर लेते। समझ रहे हो ना? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अगला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया 9th जो है उसके अंदर कंसेप्चुअल लर्निंग है बजाय कि बस ऐसे रट्टा मारने के। कहने का मतलब क्या है? मैं तुमको ज्यादा डराऊंगा नहीं कि अरे 9th में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये है वो है, इतनी किताबें हैं फिजिक्स के अंदर, ये होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सी चीज तुमको बताऊं कि 9th के अंदर थोड़ी सी विजुलाइज करना सीखना पड़ेगा तुमको। मतलब कि तुम्हारा भाई फिजिक्स है, अब फिजिक्स के अंदर क्या होगा कि ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में कोई एक चीज नीचे गिरती होगी, अब ये चीज हमको विजुलाइज करनी कि मैं जब भी बाहर जाऊं और जब भी मैं किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखूं, बॉल को नीचे गिरते हुए देखूं, या फिर मैं दो ऑब्जेक्ट को टकराते हुए देखूं, मैं यहां वहां कुछ भी देखूं, मुझे उसके अंदर फिजिक्स थोड़ा सा ढूंढना। मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल आइंस्टाइन बन जाओ और बैठ जाओ और पॉज कर दो और लिखने बैठ जाओ कि अच्छा इसकी स्पीड कितनी है, अच्छा इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज हमारे सामने हो रही है उसको हम थोड़ा सा ग्रास्प करें, हम अपने बिल्कुल माइंड को ओपन रखें, थोड़ा खुले दिमाग से रहो। ऐसा नहीं कि हम चल रहे रास्ते में और हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा पहुंच गए क्या पापा, अरे यार। हमको पूरे रास्ते भर ध्यान रखना है क्योंकि यहां से हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट लेवल। अब एक और सीक्रेट चीज, इधर आओ देखो 9th में क्या होता है, हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, अब तुम लोगों को इसी चीज का ताना बहुत सारे स्कूल वाले मारेंगे, सब टीचर्स मारेंगे, सब दोस्त मारेंगे, सब रिश्तेदार मारेंगे, बट मैं चूंकि तुम्हारी एज से निकल चुका हूं, मैं तुम्हारे दिल की भावनाएं समझता हूं, तो मैं सारी चीजें समझ रहा हूं कि तुम किस हिसाब से बड़े हो रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही है, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, ये लड़का वो लड़की, इसका डिस्ट्रैक्शन उसका डिस्ट्रैक्शन, इसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया, इसने तारीफ कर दी इसने बुराई कर दी, ये सारी चीजें भी चलेंगी। तो मेरा काम जो है ना यहां पर इस चैनल के ऊपर जो लास्ट 2 सालों से मैं कर रहा हूं, 3 सालों से कर रहा हूं, वो ये नहीं कि बस तुमको पकड़ूं और तुमको पढ़ा पढ़ा के भगा दूं। मेरा काम यह है कि तुमको पकड़ूं, तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाऊं, तुम्हें अपना छोटा भाई बहन या अपना बिल्कुल सबसे अच्छा दोस्त बनाऊं और तुमको सबसे अच्छे एडवाइस दूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें हर चीज में अट्रैक्शन होगा, मुझे पता है कि तुम्हें हर चीज में गलत आदतें लगेंगी, मुझे पता है कि तुम्हें हर जगह पर प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम ना चाहते हुए भी अपने साथ में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर यह बात कोई और नहीं समझता है। मैंने समझी बात और मैं और ज्यादा अच्छे से अपने आप को भी ग्रो कर रहा हूं कि जैसे मैंने लास्ट के 2 साल में इतने सारे बच्चों को देखा है तो अब मुझे चीजें और समझ में आने लगी कि अच्छा तुम्हारी एज में क्या क्या होता है, क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो वो सारी चीजें मैं समझता हूं। तो उसके लिए हम ईयर लॉन्ग साथ में, देखो एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता, वरना एक वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, पर इसलिए आने वाली वीडियो और आने वाली वीडियो तो देखोगे ही सही ना, वरना फिर सब्सक्राइब कौन करेगा और आने वाला वॉच टाइम कौन बढ़ेगा और चैनल कैसे ग्रो होगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ऐसा तो नहीं करना है कि अभी सारे एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूं, फिर बाद में देख नहीं ना होगा तुम मेरी शक्ल है। इसको बोलते हैं सस्ती कॉमेडी। ठीक है, जब हमारा बजट थोड़ा सा कम हो जाता है ना, जब हम 50-50 रुपए लगा देते हैं सिर्फ, तो फिर ऐसी एक्टिंग निकलती है। इसको काट देना एडिटर प्लीज। अब 9th का 5वां सत्य कि टीचर ने जो बोला है दैट इज नॉट सफिशिएंट। टीचर ने तुमको इतना पढ़ाया है, एग्जाम के अंदर तुम्हारा इतना आया, तो जरूरी नहीं है कि टीचर ने जिस पोटली में से पढ़ाया था सेम पोटली में से सारे क्वेश्चंस यहां तुम्हारे एग्जाम में बन जाए। तो इसके लिए हमको करनी पड़ेगी, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहता हूं वो है सेल्फ स्टडी। तो 9th जो है यहां पर हमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। यहां देखो जनरली क्या होता था कि पढ़ ले या जब 3-4 साल पहले ऐसा कुछ होता नहीं था तो सब लोग भटक रहे होते थे, 9th में से पागल हो रहे होते थे। अब से तुमको जब से 2-3 साल से हमने चीज
सीरीज चालू किया तब से तुमको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक एक चीज, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वन पेज नोट्स हो, चाहे वो सबसे बढ़िया लेक्चर हो, सबसे ज्यादा मस्ती मजाक वाले हो, जहां पर तुमको ऐसा लगे ही नहीं कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा लगे कि तुमको मस्ती कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुमको वेब सीरीज देख रहे हैं और प्रणवे नाच नाच के पढ़ा रहे, गा गा के पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे लेक्चर्स, वैसा कंटेंट, सारी चीज आपके पास में यहां पर अवेलेबल रहेगी। तो ये वाले देखो, इसमें जो सेल्फ स्टडी के अंदर पढ़ना तुमको ये है ना, मैं आके पढ़ा, मैं ये फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा तुम लोगों को, तो वैसे तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञान नहीं मिलेंगे जो ये ज्ञान देंगे कि अरे ये कर लो तो ये हो जाएगा, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना तुमको, किताब तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, नोट्स तुम्हारे हाथ में, मटेरियल तुम्हारे हाथ में, पढ़ना तुमको, एग्जाम तुम्हारी है। मैं आके तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, पर मैं जो तुम्हें पढ़ने तक के लिए जितनी भी चीजें रोक रही है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो पढ़े से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो किसी भी चीज का, चाहे वो किसी लड़की ने कुछ बोल दिया, लड़के ने कुछ बोल दिया, किसी भी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन हो, मैं उस चीज को जरूर हटाऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है तुम सबसे। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करना है, पढ़ना खुद को है, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमारे नोट्स तुमको पढ़ने की ऐप पे मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, तुम्हारे सीनियर तुमको बता देंगे। देखो 99% गारंटी कि तुम्हारा जो सीनियर 10th में है, तुम्हारी जो सीनियर 10th में है, 90% गारंटी मैं बोल सकता हूं कि उसने पक्का पढ़ लेगा, कोई ना कोई वीडियो जरूर देखा होगा, मेरा या तरफ का, किसी ना किसी का कोई वीडियो तो देखा होगा, तो उससे पूछ लेना जाके कि भाई क्या वाइब है इस चैनल की, तो वो तुमको पूरी वाइब समझा देगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो उनसे पूछ लेना। अब भाई साहब, अगला इस क्लास का सबसे बड़ा संताप, जो कि 7वां पॉइंट है, वो ये है कि इस क्लास में भगवान के लिए नोट मेकिंग सीख लेना। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, देखो तुम बहुत ताव ताव में, मैं जानता हूं तुम लोग ऐसे आए हो कि भैया मैं तो हर चैप्टर तुम नहीं बनाओगे, ये बहुत सारे मुगालते हैं, जो मुगालते नहीं, इसको बहुत सारी फेक एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं खुद से, जो आगे चल के ठंडी हो जाएंगी तुम्हारी, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है ना, जब न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं तो एटलीस्ट हम बना के 10 दिन तो फॉलो करते हैं, अगर नहीं बनाते तो 10 दिन भी फॉलो नहीं कर रहे होते, हम क्या सोचते कि रोज जिम जाऊंगा, अब मैं भले भाई साल अभी भी जिम नहीं गया, पर कम से कम शुरू के एक महीना तो गया, अगर नहीं बनाता, नहीं एक्सपेक्टेशन होते तो एक महीना भी नहीं जाता, तो इसलिए जाओ करो, मतलब सोचो, पर बस इतना बोलना चाहता हूं कि थोड़ी सी नोट मेकिंग सीखना पड़ेगी, क्योंकि 10th 11th 12th तीनों में काम आएगी, अभी थोड़ी बहुत फिर भी अगर तुम निगलेक्ट करते तो चलेगा, पर 10th में तो प्लीज सीख लेना यार, पर नोट मेकिंग ऐसी चीज है जो तुमको आनी चाहिए, ऑल्दो पढ़ले के ऊपर, मतलब मैं तुमको सबसे अच्छे हैंड रिटन नोट दूंगा, हाथ से लिखित नोट दूंगा, मीम वीम वाले सब कुछ दूंगा, पर खुद के नोट्स की बात अलग होती है, जो तुम लेक्चर देखोगे मेरा या किसी और का, कहीं पे भी लेक्चर देखोगे, चाहे तुम हमारे तबाही बैच के अंदर हो, कहीं पे भी तुम कोई भी लेक्चर देखोगे, तो तुमको उसके वहीं के वहीं नोट्स बनाते आना चाहिए। अब भैया एक चीज मैं तुम्हारे पास आके बोल देता हूं, प्लीज प्लीज भाई प्लीज, किताबों का ढेर घर में मत लगाना। तुम लोगों को तुम्हारे सीनियर्स बोलेंगे, तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे, ये वो रेफरेंस बुक यूज कर रहा है, वो फलाना रेफरेंस बुक यूज कर रहा है, इसने वो बुक यूज कर ली, इसने वो बुक यूज कर ली, तुम प्लीज किताबों का ढेर मत लगाना मेरे भाई, प्लीज मत अपना पैसा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, हमको इतनी किताबें नहीं रखनी है, क्योंकि पता है तुमको, मैं तुमको अभी क्लाइमेक्स बता देता हूं, पूरा का पूरा स्पॉइलर अलर्ट तुमको भी दे देता हूं कि भैया लास्ट में ये जितने भी रेफरेंस बुक्स के रोना गाना करने वाले लोग हैं ना, सब लास्ट में तुम्हारे ऊपर एनसीईआरटी के ऊपर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि ये बुक वो बुक, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, मैंने तो आरडी शर्मा कर ली, मैंने तो आर एस कर ली, कुछ नहीं कर ली, आखिरी में सब लोग एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस एनसीईआरटी को करना है। तो प्लीज भगवान के लिए अभी किताबों का ढेर मत लगाओ, अगर तुम चाहो तो यूज्ड बुक्स खरीद लो, प्लीज अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद मत करो, 500 600 रुपए की किताबें बहुत महंगी है, तो तुम उससे नहीं पढ़ोगे। तुम में से 99% जनता की दिल की एग्जैक्ट एक एक बात मैं जानता हूं, और अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो मैं तुमसे भी अच्छे से तुमको जानता हूं, तुम मिड ऑफ द सेशन में वो किताब सिर्फ धूल खा रही होगी, तो उसके लिए हमको भी पैसा वेस्ट नहीं करना है, जब एग्जाम के अंदर आना ही एनसीईआरटी से है, और जो क्वेश्चंस मैं तुमको दूंगा उसमें से ही आना है, और जो थोड़ा बहुत मटेरियल तुमको यहां पर नेटवर्क में मिल जाएगा उससे आना है, तो रेफरेंस बुक से क्या जरूरत है? रेफरेंस बुक्स की तब जरूरत होती थी जब भैया इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे। रेफरेंस बुक्स का मतलब क्या होता है कि तुमने एनसीईआरटी से एक लाइन पढ़ी, तुमको समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए तुम रेफरेंस बुक खोलोगे और उसमें वही लाइन बहुत डिटेल में बताई हुई है, तो तुम वहां समझ जाओगे। पर आज की डेट में क्या हमारे पास उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है? क्या हमारे पास इंटरनेट नहीं है? क्या हमारे पास यूट्यूब नहीं है? क्या हमारे पास प्रणय भाई के मस्ती वाले लेक्चर्स नहीं है? हमारे पास में सब कुछ है, तो फिर रेफरेंस बुक्स की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर तुमको बिल्कुल डीप में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हो तो ले लो यार, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर जेन्युइनली सिर्फ 9th में नंबर लाने ना, तो उसके लिए अभी से किताबें मत खरीदो यार, वरना बाद में जरूरत लगे तो ले लेना, बट अभी प्लीज अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करो यार। अब भैया कक्षा 9वीं की सबसे ज्यादा असली चीज, कि सबसे कटु सत्य तुम लोगों को बता दूं कि 9th में आने के बाद से अब जो तुम्हारी जिंदगी होने वाली है, चाहे वो कॉलेज के एंड तक की हो, 8th तक जो हो गया वो हो गया, अब 9th से लेके कॉलेज तक तुम एक अलग ही इंसान बने रहोगे। तो 9th में चूंकि तुम मेरे पास आए हो और तुम हम साथ में मिलके इसको फोड़ना चाहते हो, तुमको मैं पहले ही कुछ एक लाइफ लेसन दे देता हूं कि सब कुछ पढ़ना अब से जरूरी नहीं है। वी डू नॉट नीड टू स्टडी एवरीथिंग।
हमको अब उन चीजों पे फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 9 से लेके आगे तक चीजें आरओआई के हिसाब से, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्प्लिट है, कि एक टॉपिक है जिसमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा पर ये 5 में से 5 नंबर लाके देगा, और एक टॉपिक है जिसमें 5 दिन तक मैं पढ़ाई करूंगा तो भी एग्जाम में सिर्फ 3 नंबर का आएगा। तो क्या मैं 5 दिन वाली मेहनत पहले करूंगा या फिर जो फटाफट काम हो जाएगा जिसमें ज्यादा नंबर आएगी वो पहले करूंगा? ऑब्वियसली जिसमें कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो हम वही चीज करेंगे 9 से 7 में मिलकर, कि हमको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें जो एग्जाम में आने वाला है वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी जो इतनी सी किताब है उसके अंदर भी फोकर का बहुत ज्ञान दिया हुआ है जो एग्जाम में नहीं आता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि सब कुछ पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। और इसी के साथ में जो मेरा अगला पॉइंट है वो सिंपल सा है कि क्या पढ़ना है उतना जरूरी नहीं है, कैसे पढ़ना है वो जरूरी है, और उसके लिए ये जरूरी है कि तुमने गाइडेंस किसका लिया है। अगर तुम्हें कोई ऐसा खड़ूस टीचर मिल जाता है तो तुम्हें बिल्कुल डरा डरा के धमका धमका के पागल कर देता है कि 9th ऐसी है, इतना होमवर्क, इतने नोट्स, इतनी किताब, इतनी रेफरेंस, इतने क्वेश्चन, इतना ये, इतना वो, फलाना, तो भाई वहां पर तुम्हें जो इजी चीज है वो भी डिफिकल्ट लगेगी। मैं तुम्हें सच बताऊं, 9th बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस तुम्हें वो गाइडेंस ही ढूंढना है कि तुम्हें ये कोई बता दे कि अच्छा इसको यहां से करना है, इसको यहां से करना है, इसको यहां से करना है, तुमको बस धागे पिरोने हैं, ठीक है। तुम एक बार जब तुम्हारे हाथ में वो चीज आ गई ना, तुमको वो करना है, अगर उतना भी करते हो तो बहुत सारी चीजें सफिशिएंट हो जाती है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि लोगों की बातों में आके डरना नहीं है, सिंपल काम है, सिंपली हो जाएगा। और मैं, ये तो पहला ही वीडियो है, आने वाले और तुमको अगर मेरा अच्छा लगता है गाइडेंस तो देखो, अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं यार प्रणय कैसे मुझे वाइब नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रही कि भैया वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा सर वाली फील आ रही है या ये भी डराने वाली बातें लग रही है, तो मत देखो। मैं नहीं चाहता हूं कि भाई मुझे देखने के कारण, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कारण तुम्हारा थोड़ा सा भी नुकसान हो। अगर तुम्हारा 1% भी नुकसान हो रहा है तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो भले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि एक एक बच्चा जो 9th में आया है, जिसकी कोई भावनाएं नहीं समझता है, ना तो पूरे इंटरनेट पे, ना पूरे स्कूल में, ना घर वालों में, सबको ऐसा लगता है कि 10th वाले जो 10th में आ गए वो तो भाई सबसे महान है क्योंकि वो बोर्ड देने वाले, और 9th वाले कुछ नहीं है। तो मैं असलियत में समझता हूं कि 9th सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग क्लास होती है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे सारे चेंज हो रहे होते हैं, तुम्हारा सिलेबस चेंज होता है, तुम्हारी मेंटालिटी चेंज होती है, तुम्हारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तुम्हारे पास में मेंटल प्रेशर आता है, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस होता है, सारी चीजें आती है। तो इस क्लास के ऊपर मुझे अपना 100% देना है कि इस क्लास का एक एक बच्चा भले स्कोर अच्छा ना करे पर सब लोगों की कहीं भी कोई कमी ना आए, किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार हम 9th के तो हम लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया 10th पे फोकस कर रही है, और पूरी दुनिया करेगी भी 10th पे फोकस, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा 10th क्लास वाले बच्चे ही निकाल के देते हैं, चाहे तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो, चाहे तुम कहीं भी जा रहे हो। पर 9th एक ऐसी क्लास है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, पर हम लोग देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तो इसलिए कह रहा हूं कि गाइडेंस एक अच्छा ढूंढो। अब नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सी चीज है, मैं तुम लोगों को एक स्प्रेडशीट देता हूं, हर साल देता हूं, इस साल भी दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी तुमको ड्राइव पे। बेसिकली इसके अंदर मैंने तुम लोगों को ये बता रखा है कि किसी भी एक चैप्टर को मैं कंप्लीट कब मानूं भाई, क्योंकि 9th में ऐसा होता है कि भैया कितना पढ़ते जाएं, कितना भी पढ़ते जाएं, चैप्टर खत्म नहीं होता। तो इसलिए मैंने तुमको एक चेकलिस्ट दे दी, तुम इसको डाउनलोड करो, इसकी प्रिंट निकालो, अपने सामने चिपका लो, पूरे चैप्टर की लिस्ट है, पूरा सिलेबस दिख जाएगा तुमको, और तुमको ये पता चल जाएगा कि कब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट मान सकता हूं। तो जब तुम एक एक करके ऑर्डर वाइज टिक लगाते जाओगे और जब तुम एंड पे टिक लगाओगे टोटली कंप्लीट, तो उसका मतलब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है और उससे ज्यादा एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आएगा। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है शुरू के 2-3 चेकबॉक्सेस से स्टार्ट करना है, भले ही हम सारे नहीं कर पाए बट हमें मेक श्योर करना है कि शुरू के 4 चेकबॉक्स तो हम करें ही करें, जो सबसे शुरू के 4 है किसी भी चैप्टर में, अगर हम उतना कर लेते तो हम चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कंप्लीट मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने शीट बना रखी कि भाई तुमको भटकना ना पड़े कि चैप्टर कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ लिया भैया पर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये कर लिया पर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए यहां पर प्रॉपरली तुम टिक मार के डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। और अब भाई जो लास्ट चीज है वो ये है कि लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग को टेंशन नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी सी बात सुनोगे मेरी, ये जो अगला 1 मिनट है ना, अगर तुमने पूरा वीडियो इग्नोर भी कर दिया हो, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं भी आया हो, तो भी ये 1 मिनट ध्यान से सुनना। हम 9th में आए हैं, हमारे लिए एक परीक्षा है, हमारे लिए एक टेस्ट है, जहां पर हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी एक साथ। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या तुम लोग अकेले हो? नहीं, फॉर श्योर नहीं, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल में जब इतने लाखों बच्चों ने इतना सारा मोटिवेशन दिया कि भैया हमको इतनी, जब भी कोई बोलता ना कि थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लेजिट फेल हो जाते हैं, स्कूल उनके पेरेंट्स तक गए स्कूल में उनका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए, और वो किसी एक वीडियो से इतने मोटिवेट हो गए कि उन्होंने वापस से मेहनत करना चालू किया और उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। जब इस लेवल तक के चेंजेस मैंने देखे हैं पिछले साल, तो मेरे अंदर इतनी इमोशनल और इतना ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि यार हमने कुछ तो चेंज किया है किसी के लाइफ में। और मैं चाहता हूं कि इस साल भी, देखो मैं बहुत लालची हूं इस मामले में, मैं बहुत ज्यादा लालची हूं कि मुझे जितना हो सके उतने बच्चों की लाइफ को बेटर करना है, उतने मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उतने जो जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, जो प्यारे प्यारे सब लोग आए हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं इस मामले में बहुत लालची हूं और इस लालच के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पिछले साल भी क्या था, उसके पिछले साल भी क्या था, और इस साल भी करूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तो अगर तुम लोग एक बार पढ़ले के ऊपर आए हो, चाहे कहीं भी आए हो, अगर तुमने प्रणय भैया का वीडियो देखा है और तुम्हें थोड़ा सा भी कनेक्ट फील हुआ, तो साल भर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा,
और बस तुम्हें इतना प्रॉमिस करना है कि तुम भी अपना हाथ ना छोड़ो, क्योंकि हम लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ने वाले और सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्लास बनाने वाले हैं। चलो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, एंड वेलकम टू क्लास 9 ऑफिशियली। आप लोगों के लिए YouTube के ऊपर इससे अच्छा चैनल ना है ना होगा, और इस बात की लिखित में गारंटी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑल, लव यू ऑल। हम लोग रहेंगे साथ में साल भर और बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा वेट नहीं होता ना तो तुम पुराने वीडियो जाके देख लो, ठीक है, वही कंटेंट है। मैं अच्छी बात ही बताता हूँ, पिछले साल के वीडियो देखोगे तुम्हें तो पहले बहुत ऐप्ट होगा, तो तुम जाओ पुराने वीडियो देख लो एक बार, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लेकर इंस्टाग्राम फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो @konprane, जहां पर तुम अपडेट्स मिल जाएंगे, और बाकी इस क्लास को एंजॉय करो, चिल करो, लोड मत लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।